गैस क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे फ्री फायर के लेजेंड्स होते हैं इंडिया के, जैसे कि Y444, रोक, विंसेंजो, बीएनएल वगैरह, ये सब लोग गैस शॉर्ट गन इतनी अच्छे से कैसे चला लेते हैं। जी गैस, आपने पहले आज से बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे कि शॉर्ट गन कैसे चलाई जाती है, लेकिन गैस मैं आपको बता दूँ, उन सब वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम ही होती है। मैं सबकी नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब सब क्रिएटर्स की नहीं, कुछ क्रिएटर्स की इन्फॉर्मेशन होती है दूसरों की तरह सेम ही होती है। तो गैस वीडियो के अंदर जरूर सीखिएगा, मैं आपको रिसर्च के टाइप से सब कुछ बताने वाला हूँ, जो मैंने रिसर्च किया गैस मैं 100% रियल एंड अलग आपको बताने वाला हूँ। तो गैस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गैस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर से कर देना, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो गैस इंट्रो के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो गैस मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है, एंड गैस रिसर्च के बाद मैंने ऐसे 3 टिप्स एंड ट्रिक्स निकाले हैं, जिसके साथ गैस मेरा भी जो गेम प्ले बहुत ज़्यादा ओपी तो नहीं बोलूँगा, मतलब अच्छा ही हो चुका है गैस, ठीक है। तो गैस आपको मैं सबसे पहले प्रूफ दे देता हूँ। तो गैस आप ये देख सकते हो गैस, ये जो है गेम प्ले वो हमारे Y444 का है, ठीक है। एंड गैस इसी वीडियो को मैंने हर एक यूट्यूबर के वीडियो को अच्छे से समझा, एंड गैस उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं, जो ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं, उन सबको मैंने निकाला है। तो गैस उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। एंड गैस उसके पहले आप ये वाला गेम प्ले देख लो गैस, ये मेरा वाला गेम प्ले है। एंड गैस ये मतलब आप बोलोगे कि भाई तूने पहले भी तो ऐसे गेम प्ले अपलोड कर रखे, तो गैस मैंने इसके अंदर कुछ न्यू चीज़ें भी ऐड की हैं। तो गैस अगर आपको न्यू चीज़ें अभी दिख जाती है तो गैस मुझे नीचे कमेंट में बताना कि वो क्या है। एंड गैस जो भी बताएगा एकदम अच्छे तरीके से तो गैस उसको मिलेगा स्टोर में से कोई भी गिफ्ट 100 डायमंड्स का। तो गैस जल्दी जल्दी से बता दो, एंड गैस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड गैस अब देखो ये तो गेम प्ले आपने देख लिया, एंड गैस जिस जिसको भी जो चीज़ लग रही है न्यू है वो कमेंट में बता दें। एंड गैस जो स्टडी मैंने किया है उसके हिसाब से गैस जो हेडशॉट के लिए M187 के जो आपको चीज़ें लगती है, मैं हेडशॉट के तो नहीं बोलूँगा, M187 का किंग आप कैसे बन सकते हो। तो गैस देखो यार, सबसे पहली जो हमारी टिप आती है वो है गैस ग्लू वॉल्ड, ठीक है। तो गैस जितने भी हमारे लेजेंड्स गेम प्ले करते हैं, आप भी उनकी वीडियोस में नोटिस करते ही होंगे, या फिर आप आगे भी करो कि गैस वो लोग ग्लू वॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब गैस आपने देखा हो कि वो 10-10, 20-20 ग्लू वॉल सिर्फ एक स्क्वाड को ख़त्म करने में ही लगा देते हैं, फिर एक बंदे के पीछे ही लगा देते हैं, ठीक है। एंड गैस आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, किसी BNL का गेम प्ले समझो कि आप इसके पास ग्लू वॉल नहीं है, एंड गैस देखो इसने कैसे कवर का यूज़ किया है। ऐसे ही आप शॉटगन में भी कवर का यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास कवर हो तब आपको ग्लू वॉल यूज़ नहीं करना है। अगर आप कवर से दूर जाते हो कि आप कवर के अंदर ना आ सको तो गैस आपको ग्लू वॉल का यूज़ करना है। एंड गैस अगर आपके पास ग्लू वॉल ना हो तो गैस आप एक्टिव स्किल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे वुकोंग हो गया, क्रोन हो। एंड गैस अगर आपके पास वो सब भी ना हो तो गैस आपको सीधे एनिमी के मुंह पर भागना होगा, वो आप पे फायर तो करेगा लेकिन गैस आप उससे बच सकते हो। बचने के लिए गैस आपको जंप करना होगा, ठीक है। जैसे आप जंप करोगे आप उसके फायर से बच जाओगे, तब तक आपकी जो गन है उसमें रिलोड हो जाएगा। तो गैस सबसे पहला तो टिप आपको पता चल गया होगा ग्लू वॉल का। एंड गैस ग्लू वॉल में आपको कंजूसी नहीं करनी, देखो यार आप मर जाओगे तो वेस्ट ही तो होनी है ना, उससे अच्छा आप ही यूज़ कर लो। एंड गैस कुछ बंदे होते हैं कि फाइनल फाइट के लिए ग्लू वॉल को हमें बचाना है, लेकिन अगर फाइनल फाइट से ही मर जाओगे तो ग्लू वॉल का करोगे क्या भाई, अचार डालोगे क्या? बस अचार भी खा नहीं सकते गैस फ्री फायर के अंदर। तो गैस आपको कभी भी ग्लू वॉल कैसे वेस्ट नहीं करना है। आप इस गेम में देख सकते हो आपने BNL भाई कैसे ग्लू वॉल को यूज़ करते हैं, चाहे बंदा नॉक हो या ना हो, चाहे बंदा मरे या ना मरे, आपको ग्लू वॉल लगाना है। अगर वो मर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मरता है तो वो आपको मार देगा ना, इससे तो आप ग्लू वॉल ही लगा कि अपने आपको बचा सकते हो। एंड गाइस यही सबसे बेस्ट तरीका है आपको शॉटगन किंग अगर बनना होगा तो। एंड गाइस जो हमारी सेकंड टिप है वो भी गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइस जो हमारी सेकंड टिप आती है वो गाइस ड्रैग। जी अगर आप लोगों ने दूसरों के वीडियो में देखा होगा, वो कहते हैं कि आपको ड्रैग इतना करना है उतना करना है आगे पीछे, मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो तो आप दूसरी यूट्यूब का फॉलो कर सकते हो कि आपको जब बंदा दूर होगा तो गैस आपको कम ड्रैग करना है, जब नज़दीक होगा तो ज़्यादा ड्रैग करना है, वो आपको यूज़ करना है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपको ड्रैग मतलब गैस कस्टम एचडी में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। देखो गैस ये जो मेरा फायर बटन है गैस, देखो इसके ऊपर ना मैंने कोई भी बटन नहीं लगाया, जैसे रीलोड का बटन वैसे कुछ भी मैंने नहीं लगाया। इससे क्या होगा गैस, जब भी मैं ड्रैग करूँगा ना गैस सीधे ऊपर जाएगा, इनके ज़्यादा ड्रैग होगा, जिससे शॉर्ट रेंज में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड गैस अगर देखो ये जो मेरा फायरिंग बटन है ये नीचे ना होता, देखो मैंने इसको नीचे भी रखा है, इसके ऊपर कोई बटन भी नहीं रखा है, ठीक है। अगर ये नीचे भी ना होता तो किसी से भी आपका जो डिसएडवांटेज हो जाता, क्योंकि सर देखो ये बीच में होता है तो किस
इससे आपको शॉर्ट रेंज में फायर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी गाइस, क्योंकि वो ज़्यादा ड्रैग नहीं हो पाएगा। लेकिन गाइस उसको मैंने नीचे रखा है, गाइस नीचे पे भी आपको उसके ऊपर कोई बटन नहीं लगाना है, जिससे गाइस आप अच्छे से ड्रैग कर पाएंगे, तो कुछ शॉर्ट रेंज में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो गाइस ये मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, पर्सनल यूज़ के बाद ही मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं ऐसे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एंड गाइस जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है, ठीक है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक लोग यूट्यूबर यूज़ करते हुए गाइस, फायर एंड रन। जी गाइस, आप ये भी बोलोगे ये तो दूसरे यूट्यूबर से होता है, तो बोलोगे कुछ नया है, तो गाइस नया है भाई साहब, तो गाइस नया ये है कि गाइस आपको फायर एंड रन कैसे करना है। तो गाइस देखो, समझो सामने बंदा है, मैंने ड्रैग किया, ग्लू वॉल लगाया एंड गाइस रन करना है, ड्रैग करना है, ग्लू वॉल लगाना है, रन करना है। ठीक है गाइस, अगर आपने सामने वाले को डैमेज दिया तो गाइस आपको ड्रैग करके ग्लू वॉल लगा के सीधे रन करना है, क्योंकि अगर आप मेडी करोगे तो वो भी तो मेडी करेगा, हो सकता है कि वो आपके ऊपर रश कर दे एंड गाइस आप मेडी में हो एंड वो आपको मार दे। एंड गाइस आप ड्रैग करके सीधे सीधे एक्टिव स्किल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ग्लू वॉल वगैरह ना हो। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। एंड गाइस आपको एक और चीज़ याद रखना है, जब भी आप जो हमारा डबल बैरल है शॉटगन है गाइस उसे हेडशॉट मारो तो गाइस आपको जंप ज़रूर से ले लेना है। ठीक है, जंप से क्या होगा, सबसे पहले तो एनिमी जो है उसे आपको मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, एंड गाइस जो आपका एम है वो सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, एंड गाइस आप थोड़ा ड्रैग भी करोगे तो गाइस वो उसको आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। तो गाइस होप करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस।